ये औरत जो है ये एक झूठी है। मेरी जो धार्मिक आस्था है उसे ठेस पहुंची है प्रज्ञा ठाकुर के ढोंग और फरेब से। जो संघी लोग हैं ये अपने जुर्म छिपाने के लिए मेरे भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम भोपाल में हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और उनके सामने मालेगांव 2008 धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव मैदान में उतरी है। जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल में चुनाव में उतारा गया, वहीं से बात साफ हो गई कि ये लड़ाई बीजेपी को एक पोलराइज्ड लड़ाई करनी है। और ये बात को लेकर पूरी कैंपेन जो हमने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की देखी उसमें वो बात साफ हो जाती है। और यहीं पर हमारे साथ स्वरा भास्कर जुड़ रही है क्योंकि वो भी यहाँ पर दिग्विजय सिंह की कैंपेन में शामिल होने के लिए यहाँ पर आई है। इससे पहले बिहार में वो कैंपेन कर चुकी है और अब भोपाल में वो यहाँ पर कैंपेन करेंगी। आपने भोपाल की लड़ाई देखी, तब से आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर इस तरीके से फैसला लिया गया था कि जिसका असर आसपास की जो लड़ाई है या आसपास की जो चुनाव चल रहा है उस पर उसका असर पड़े, जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया और उसके बाद जो कैंपेन चल रही है? नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में है, जो खुद राष्ट्रवाद के ढिंडोरा पीटती रहती है, जो मतलब लोगों को जो दो सेकंड नहीं सोचती लोगों को एंटी नेशनल बोलने में, देशद्रोही बोलने में या आतंकवाद के समर्थक बोलने में, ये सारे जो शब्दावली है पिछले 5 साल से जो हम सुन रहे हैं ये इसी पार्टी और इनके चिंटुओं की देन है। ऐसी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने एक आतंक आरोपी को टिकट दे दिया, इतने बड़े सीट का, इतने मेन सीट का? आपकी पार्टी में और कोई उम्मीदवार नहीं मिला आपको? या मतलब मुझे ये तो ध्रुवीकरण भी नहीं है, क्योंकि आतंकी हमले में सिर्फ मुसलमान नहीं मरता है, हिंदू भी तो मरता है। आपने जी हाँ, प्रज्ञा ठाकुर ने एक मस्जिद में बम लगाया और ज्यादातर मुसलमान मरे या शायद सिर्फ मुसलमान मरे, लेकिन जो वो हरकत है, जो आतंकवादी हरकत है, उसमें तो सभी मरते हैं। कल को ये कहीं और बॉम्ब लगा देंगी, कल को हमें क्या पता भोपाल में लगा दें, भोपाल में भी मस्जिद है। बीजेपी ये कह रही है कि अभी तक उन पर आरोप साबित नहीं हुई है, यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक विच हंट था एक तरीके से, जानबूझकर उनको उसमें फंसाया गया, जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया और उसके खिलाफ वो कोई स्टेटमेंट करना चाहते हैं और इसीलिए उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। नहीं, बीजेपी अव्वल तो ये जो टॉर्चर का जो क्लेम है प्रज्ञा ठाकुर का भी और अगर किसी और ने बोला है, तो ये तो मानव अधिकार जो संस्था है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है कि हमने इस पे छानबीन करी और कोई टॉर्चर का हमें नहीं मिला। तो ये तो मुझे झूठ लग रहा है कि आप फेक सिंपथी लेने के लिए फेक न्यूज कर रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर की नीयत तो तभी साफ पता चल जाती है जब वो कहती हैं कि हेमंत करकरे मेरे श्राप से मरे थे। अव्वल तो ये बहुत ही घटिया और घिनौनी बात है। हेमंत करकरे एक शहीद हैं, वो अपना कर्तव्य करते हुए आतंकवादियों के हाथ मारे गए जिनमें से कसाब पकड़ा गया और भारत ने पहली बार सबूत पाया कि हाँ हम आतंकवाद के पीड़ित हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। मान लीजिए प्रज्ञा ठाकुर का श्राप काम कर गया, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुस्तान में आतंकवादी बुलाए और हेमंत करकरे को मरवाया और उसी के साथ जो 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी वो भी मर गए उस चक्कर में। मतलब प्रज्ञा की नीयत तो देशद्रोही है, उनके अपने कथन के हिसाब से उनकी नीयत देशद्रोह है। उनकी नीयत थी भारत के टुकड़े टुकड़े करना, उनकी ये नीयत मालेगांव में भी थी, है ना, और उनकी ये नीयत मुंबई में भी है। तो मैं ये कह रही हूं कि ये कोई विच हंट का तो सवाल ही नहीं होता। उम्मीदवार खुद ही साफ हम अगर हम साफ साफ सुने, उम्मीदवार खुद अपनी नीयत बता रहा है।
लेकिन जिस तरीके से जो कैंपेन का नैरेटिव बनाया जा रहा है खास करके कि हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, वहीं से दरअसल इस नैरेटिव की शुरुआत हुई जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्या हिंदू टेररिस्ट हो सकता है, और हिंदू टेरर इस शब्द को लेकर दरअसल ये नैरेटिव बनाना शुरू हुआ है। और आज भोपाल में जो हम देख रहे हैं वो उसका एक हम कह सकते हैं कि चरम तक पहुंच गई वो प्रचार की नीति। जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव बना रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि उनकी नजर में नाथूराम गोडसे क्या थे? उन्होंने जिस विचारधारा का को उन्होंने सपोर्ट किया और जो जो उनकी नियत थी, जो उनकी हरकत थी, वो क्या था? मुझे मुझे मैं ये नहीं, वो भी तो वो हिंदू थे। देखिए, मेरा मानना है कि आतंकवाद जो है वो पाप है, वो जुर्म है, वो सबसे घटिया किस्म की गद्दारी है आपके देश के साथ, चाहे जिस भी देश में आप ये हरकत कर रहे हों। अब जो टर्म्स है ना, वो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस्लामिक टेरर शब्द यूज कर रहे हैं तो फिर आप और भी किस्म के धर्म विशेष टेरर के बारे में बात करेंगे, है ना? जो लोग उस गतिविधि में शामिल है उसका जो धर्म है उस हिसाब से आप उसको देखेंगे। That's what you want to say? मेरा मानना है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी का धर्म होता है। आतंकवादी मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है। श्रीलंका की जो सरकार है वो LTTE को आतंकवादी घोषित करती है। भारत की सरकार ने भी ये माना है, भारत का एक प्रधानमंत्री उन आतंकवादियों द्वारा मारा गया है। LTTE में तो हिंदू थे, है ना? आतंकवादी यहूदी भी हो सकते हैं। तो आतंकवाद का धर्म ना हो, लेकिन आतंकवादी तो इंसान है। इंसान तो जब पैदा होता है किसी धर्म के साथ पैदा होता है। इसीलिए इसी शब्द को लेकर आखिर हाल ही में हमने देखा कि सीताराम येचुरी यहां पर आए थे, CPIM के जनरल सेक्रेटरी, उनके बयान को लेकर बवाल हुआ कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये गलत है, हिंदू हिंसक हो सकते हैं, ये बताने की कोशिश की, उसको लेकर भी बवाल हुआ। तो ये जो पूरा नैरेटिव है इसको कैसे फाइट किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में आप जिनके प्रचार के लिए आए हैं वो भी उस पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। ना कोई कांग्रेस से आके कह रहा है छाती ठोक के कि हाँ हमने साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा और हमें लगता है कि वो इस मामले में दोषी थी इसलिए हमारी सरकार ने कार्रवाई की। कांग्रेस क्यों कहेगा? साध्वी प्रज्ञा के ऊपर जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जो चार्ज कोर्ट ने लगाया था वो तो बीजेपी की सरकार में लगाया था, है ना? और ये काम किसी संसद प्रत्याशी का नहीं है बोलना, ये काम कोर्ट का है बोलना। कोर्ट ने बोला है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो धारा है वो कब लगती है? वो तब लगती है जब आपने भारत की सॉवरेनिटी का हनन किया हो, जब आपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भारत की को थ्रेटन किया हो। इस पे तोड़ वो देते हैं कि भाई ऐसे तो बहुत सारे आरोपी है, जैसे राहुल गांधी पर आरोप है वो बेल पे बाहर है, लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर थे चारा घोटाले के मामले में, तो बेल पे जो बाहर है जैसे आपने कहा टेक्निकली अलाउड है लेकिन आप मोरालिटी पर बात कर रही है उसको। देखिए दिक्कत यही है, सारे आरोप एक समान नहीं होते। अभी मैं आपको बदतमीजी से आपसे बात करके बिना आपको चाय कॉफी पिलाए यहां से भगा दूं, आप बाहर जाके बोलेंगे, आप आरोप लगाएंगे मुझ पे कि बहुत ही बदतमीज औरत है स्वरा। आप आतंकवाद का तो आरोप नहीं लगा देंगे, अलग है ना? बदतमीजी का कोई पनिशमेंट नहीं होता। मैं आपको घूंसा मार दूं तो मुझे किसी जो भी दफा के तहत असॉल्ट के लिए मुझे इतनी सजा होगी, कल को मैं आपका पॉकेट मार लूं तो मुझे इतनी सजा होगी, मैं आपके खिलाफ कोई डेफिमेटरी स्टेटमेंट दे दूं तो इतनी होगी। ये अलग अलग चीजें हैं, डिग्री ऑफ उसकी। हाँ, जो ये आतंकवाद नहीं है। अभी आप भोपाल में क्या समझाएंगे? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी बहुत गलत है, क्योंकि 20 साल से भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए टेरर के खिलाफ हम हैं, टेररिज्म के पीड़ित हैं, टेरर है। फाइनली हमने कसाब को पकड़ा, फिर हमारे पास सबूत मिल गया कि देखो भैया हम 20 साल से कह रहे थे कि हम टेरर के पीड़ित हैं, हम आतंकवाद के पीड़ित हैं।
पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सारे जर्नलिस्ट आज ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि आप तो टेरर के विक्टिम बता रहे थे अपने आप को, आज आपने एक टेरर अक्यूज्ड, आपने एक आतंकवाद आरोपी को टिकट दे दिया है, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से अगर हम देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से देखें, ये थू थू नहीं है हमारी गवर्नमेंट पे? क्या क्रेडिबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की? तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये तो हर पैमाने पे ये बहुत ही सड़ा हुआ डिसीजन है. साथ ही साथ ये औरत जो है ये एक झूठी है, इनका हर बयान जाके झूठ साबित हो जाता है, इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में देशद्रोह है, ये घिनौनी बातें करती है, ये हमारे शहीदों को की जो याद है उस को तिरस्कृत करती है, ये जो है ये देश के प्रति और देश के मतलब ये हमारे संविधान में जो कुछ लिखा है ये उसके खिलाफ. भोपाल की जनता को समझाने के लिए आई है आज जो प्रचार कर जी बिल्कुल, और मैं इसलिए भी आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो भोपाल के लिए सही सांसद हैं. वो प्रज्ञा ठाकुर हो ना हो वो भोपाल के लिए सही सांसद हैं. वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेता हैं, अनुभवशाली हैं, वो उन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग रोल निभाए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को चलाया है 10 साल तक, उनके सरकार में अलग अलग किस्म के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, वो भोपाल को जानते हैं. उनका जो विजन भोपाल करके जो उनका डॉक्यूमेंट है, घोषणा पत्र जो है वो मैंने पढ़ा है, उसमें एक साझे भविष्य का विजन है जिसमें एक साझे रूप से विकास हो भोपाल के हर नागरिक के लिए, किसी खास समुदाय के लिए नहीं, और उनके ऊपर कोई आतंक के दोष नहीं है. तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी जो है वो बेहतर सांसद बनेंगे भोपाल के लिए. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक हिंदू होने के नाते, चूँकि अब ये बात बार बार हिंदुइज्म पे आ रही है, मैं एक हिंदू हूँ, मेरी जो धार्मिक आस्था है उसे ठेस पहुँची है प्रज्ञा ठाकुर के ढोंग और फरेब से. आप मेरे धर्म का अपमान कर रही हैं जब आप भगवा धारण करके खुद को साध्वी बता के अपने जुर्म छुपाने के लिए मेरे धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं. मेरे भगवान हैं श्री रामचंद्र. मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे दिक्कत है कि ये लोग, ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो संघी लोग हैं, ये अपने जुर्म छिपाने के लिए मेरे भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये घिनौनी से घिनौनी हरकत करते हैं, उसके बाद ये मेरे देश का नाम लेते हैं, उसके बाद ये मेरे भगवान का नाम लेते हैं. तो एक हिंदू होने के नाते मैं भोपाल के हिंदू नागरिकों को कहना चाहूँगी कि आपकी धार्मिक आस्था का अपमान हो रहा है, आपकी धार्मिक आस्था को तिरस्कृत किया जा रहा है, आपके भगवान को कलंकित किया जा रहा है, और भोपाल नगरी जो है उसकी प्रतिभा, ये राजा भोज की नगरी है, ऐसे राजा जो न्यायप्रिय होने के लिए मशहूर थे, ये उनकी याद और उनकी जो लेगेसी है उसको, उसकी तौहीन है, ये भोपाल के नागरिकों के साथ अन्याय है, तौहीन है. और मैं मतलब बिल्कुल मैं तहे दिल से कहना चाहूंगी भोपाल के नागरिकों को कि आप, ये बहुत अहम वक्त है और आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप अपने भगवान को याद करिए, जो भी आपका भगवान हो, जिसमें भी आपकी आस्था हो, दुनिया का कोई भगवान अपने भक्त को ये नहीं कहेगा कि निर्दोषों की हत्या करो. ये असुर करते हैं, ये असुर प्रवृत्ति के लोग करते हैं, ये भगवान का काम नहीं है. तो आप अपने भगवान को याद करें और आप वोट दें, और आपका वोट साध्वी प्रज्ञा जैसी आतंक आरोपी ढोंगी पे पड़ ही नहीं सकता है. भोपाल में एक कहावत है, मैं उसके साथ खत्म करना चाहूंगी, और मुझे लगता है इस केस के लिए वो कहावत थोड़ी हमें बदलनी चाहिए कि कहां राजा भोज. लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.